एंड प्रेरित सिंह, आज हम लोग फिर एक और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ बिल्डिंग विद 8 फ्लोर्स देयर लिव 8 पीपल नेमली ए टू आई सच दैट पर्संस डू नॉट लिव ऑन एडजस्टेड फ्लोर्स इफ देयर नेम स्टार्ट्स विद लेटर्स विच आर कंसेक्यूटिव लेटर्स इन अल्फाबेटिकल सीरीज। Only one person lives on a floor. The lowest floor is number 1 and above it is 2 and so on. H lives on a floor number which is a perfect square. Number of people who lives above H are equal to the number of people lives below I. B is 2 floors below C who lives immediately below I. Two people live between B and D. तो ये रहा एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स है 8, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला गया है कि एक फ्लोर में एक ही पर्सन रहता है और कोई भी पर्सन जो फ्लोर में रहता है उसके ऊपर नीचे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोर्स बना लेते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे सिंपलेस्ट वे हम आपको बताते हैं फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको बार बार ये नंबर अलग अलग केसेस में नहीं लिखना होगा। आप सिंपली इसको एक तरफ का ये 1 कर लीजिए और ये दूसरे तरफ का 2 पॉसिबिलिटी का, क्योंकि किसी भी पीओ लेवल के पीके एग्जाम में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो इसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि नंबर एच लिव ऑन अ फ्लोर नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एच कहाँ रहता है? एक ऐसा फ्लोर नंबर में जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम पहले सबसे इजीएस्ट पॉइंट, ये हमको एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि परफेक्ट स्क्वायर पे रहता है एच। तो यहाँ हमें दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, एक ये 4 दिख रहा है और एक ये 1 दिख रहा है। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए दो पॉसिबिलिटी बना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं H यहाँ पे बैठा है और दूसरा पॉसिबिलिटी में हम लोग मान लेते हैं H यहाँ पे बैठा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स अबव एच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिव बिलो I। इसके ऊपर में जितना H के ऊपर में जितना लोग हैं, I के ठीक नीचे में उतने ही इंसान हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ H है तो यहाँ I होना चाहिए और यहाँ एच है तो इसके ऊपर में 1, 2, 3, 4, तो आई के भी नीचे 4 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि आई यहाँ पुट होगा। इसके बाद क्या है, बी इज 2 फ्लोर्स बिलो सी हु लिव्स इमीडिएटली बिलो आई। तो यहाँ ये ऑलरेडी ये पॉइंट कर गया क्योंकि आई के इमीडिएटली बिलो सी को होना चाहिए जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये एक केस स्टॉप हो गया, तो हम लोग सी यहाँ पुट करेंगे। बी इज 2 फ्लोर्स बिलो सी हु लिव्स इमीडिएटली बिलो आई। बी 2 फ्लोर्स सी के नीचे रहना चाहिए। तो आई तो 2 फ्लोर्स हुआ, तो एक ये फ्लोर हुआ और एक ये फ्लोर हुआ। यहाँ बोला नहीं गया कि 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए, बोला गया है कि 2 फ्लोर नीचे होगा, तो ये फ्लोर भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। इसका मतलब बी हमारे 5th फ्लोर पे होगा। टू पीपल लिव बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी के बीच में 2 इंसान होना चाहिए। तो 1, 2 यानी कि यहाँ डी बैठेगा। तो अल्टीमेटली एक हमारा कहाँ बैठ रहा है, अब हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना पड़ेगा। हम लोग ए यहाँ नहीं पुट कर सकते, यहाँ भी नहीं पुट कर सकते। तो अल्टीमेटली ए हमारे यहाँ सिट होगा क्योंकि यहाँ बोला गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी को नहीं बैठाना है। तो अल्टीमेटली हमारे एक बच गया ई और एफ, क्योंकि हमें मालूम नहीं ई एफ कहाँ बैठेगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ जो एकदम करेक्ट है। इसके बेस जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे राइट होंगे आपके। ये सिंपलेस्ट वे है सॉल्व करने का कोई भी फ्लोर बेस्ड पजल। थैंक यू।